कानपुर हाईवे के उन्नाव में गंगा घाट बैराज मार्ग पर दो ट्रक और कार में आमने सामने भिड़ंत हो गई। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें सवार तीन युवकों की मौत हो गई जबकि एक घायल हुआ है। वही घायल को पुलिस ने हैलट अस्पताल कानपुर में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि करीब रात 1 बजे ट्रक कानपुर से चोकर लादकर उन्नाव की ओर आ रहा था। एक इको स्पोर्ट कार कानपुर बैराज की ओर जा रही थी। ट्रक और कार लक्ष्मीखेड़ा गांव के पास टकरा गए। वहीं पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक भी दोनों गाड़ियों से टकराकर पलट गया। हादसे के बाद दोनों ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर मौके से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही गंगाघाट कोतवाली इंस्पेक्टर राकेश गुप्ता मौके पर पहुंचे। कार में फंसे चार लोगों को एम्बुलेंस की मदद से कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने सामान से मिले आधार कार्ड की मदद से मरने वालों की पहचान की है। उनके परिजनों को भी सूचना भेज दी गई है। मरने वालों में प्रशांत, विशाल, सुमित और घायल आलोक की पहचान की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।